दिल्ली से अजमेर पहुंचे कलंदर ढोल नगाड़ों के बीच दिखाए एक से करतब। कलंदरों के करतब को देखने के लिए जमा हुई भीड़। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का 807वां उर्स शुरू हो चुका है। दूर दूर से जायरीन इस मेले में आ रहे हैं और पिछले 800 सालों से सालाना उर्स में दिल्ली से मस्त कलंदर यहां पर आते हैं और कल शाम वो कलंदर अजमेर पहुंच चुका है। कलंदरों के करतब को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई। ये कलंदर दिल्ली से अजमेर पैदल चलकर आते हैं। इनके हैरतअंगेज कारनामों को देख कई लोग डर जाते हैं तो कई लोग मजे भी लेते हैं। जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली से अजमेर लेके आते थे तो यहाँ के उर्स शुरू होते थे। आज ये तमाम साधु संत पीर फकीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके 850 साल से इस रस्म को अदा कर रहे हैं। जो दिल्ली से 13 दिन में चल के अजमेर आते हैं, अभी गरीब नवाज के मेन गेट के ऊपर अपना आलम पेश करेंगे मौला अब्बास का और उसके बाद उर्स का आगाज हो जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम सैयद जुल्फ़िकार अली नियाजी, खादिम हुज़ूर गरीब नवाज। हजरत जामा मस्जिद से गेट नंबर 1 से चलकर मटके शाहवली होते हुए हजरत निजामुद्दीन, फिर उसके बाद माई साहिबा से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काजी रहमतुल्लाह अलैह आते हैं और हम लोग पैदल जंगलों के रास्ते से चलते हैं। हमारे साथ सातों कौम के जमात चलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा साथ कोई देती नहीं है। आज तक की नरेंद्र मोदी और अमन के लिए हम दुआ करने निकलते हैं, अमन के लिए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को ना दबा कर गाली देती है ना कोई चीज देती है। आज इनसे पूछो, कांवड़िया जाते थे उनको हर चीज की सहूलियत मिलती है रास्ते में, हम लोगों को क्यों नहीं मिलती है? जय हिंद। मेरा नाम मासूम अली शाह खलीफा रफाई।